نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा, हम हिजामा के बेनिफिट्स, हिजामा कब करवाना चाहिए कब नहीं करवाना चाहिए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे थे। मुझसे मेरी एक क्लाइंट ने पूछा कि फाइब्रॉइड्स के हिजामे के लिए क्या है, तो उसका हिजामा हो सकता है, तो ये क्या होती है? ये क्या होती है कि फीमेल्स के यूट्रस में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जो कैंसेरियस तो नहीं होती लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द वगैरह रहता है। तो वो पूछ रही थी, कमेंट सेक्शन में उन्होंने पूछा था कि क्या उसका हिजामा हो सकता है। तो जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिजामा हो सकता है, आप बिल्कुल मुझसे हिजामा करवा सकती हैं। और हिजामे का प्रोसीजर बिल्कुल भी तकलीफ देह नहीं है, जैसे कि आप पहले भी ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और आपको पता है कि इट्स नॉट पेनफुल। हाँ, आपको 3 to 5 सेशंस कंसेक्यूटिव लेने होंगे एंड देन इंशाल्लाह यू विल गेट रिड ऑफ दिस। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ये भी था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो जी हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी हिजामा यानी कपिंग थेरेपी इज़ वेरी गुड। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी की रगे शरियान पर पड़ाए तो उसे चाहिए कि वो हिजामा करवाए। सो हाई ब्लड प्रेशर के लिए हिजामा बहुत बेस्ट है, मतलब इंस्टेंट रिलीफ देता है ये आपको ना। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन मुझसे करना आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाएं, तो अब मैं अब आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस बना के जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करूँगी। और इसके अलावा आपने कोई मुझसे बात करनी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे टैग कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।